मेरा क्या दिक्कत है भाई किसी से, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, मैं शांति से रह रहा हूँ, इतना नफरत आ, मतलब वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहली बात ना, मैं पहले सोच रहा था कि मैं ब्लॉग नहीं स्टार्ट करूंगा आज, क्योंकि आज है 31st ऑफ, आज है फर्स्ट ऑफ न्यू ईयर, मतलब कि 1 जनवरी, और 2022 चालू हो चुका है। मेरा तो इतना औसम था ना, मतलब आप लोग देखे होंगे वो सब पार्टी का, जितना भी मैं अभी आप लोगों को दिखा भी देता हूँ वो सब। मतलब बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अगर गाइस आप लोग चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा नाम अमन है, आप लोग देख रहे हो अमन कुमार व्लॉग्स, एंड आई होप आपको व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। मे बी लाइक मैं इस साल मैं इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने वाला हूँ ना, कि मैं जितना भी मेरा गोल्स है, जितना भी मैं पेपर में लिख के रखूँ, मैं उन सब चीजों को अचीव करूंगा। और आज मैं क्रिएट अ पोस्ट में भी डाल दूंगा और इंस्टाग्राम के पोस्ट में भी डाल दूंगा, तो आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो @AmanKumarVlogs। और अभी मैं बस अपना ये बना रहा था ब्रेड, और मेरे को जाना है अभी मम्मी को लेने हॉस्पिटल के लिए, तो फिर मैं जल्दी इसको बंद करूंगा, खाऊंगा भी नहीं, भागते सीधा हॉस्पिटल, और वहां पे जाते हैं मम्मी को उठाते और फिर मम्मी को लेके आ रहे हैं। मम्मी घर में रहेंगी, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा चर्च। तो गाइस मम्मी को भी उठा लिया, मम्मी गाड़ी का तारीफ कर रही थी, लेकिन गाड़ी का नाम मत लेना क्योंकि गाड़ी किसी को नहीं पता। बस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, भागते हुए चर्च निकलेंगे। मम्मी आप व्लॉग बनाओगे? यू शुड बी अ व्लॉगर मॉम, यू व्लॉग मॉम, अब व्लॉगर की माँ हो, आपको आना चाहिए व्लॉग बनाना। गाइस तो अभी मैं बस चर्च के लिए निकल रहा हूँ, और अभी ना एक कमेंट आया कि बाइक दिखाओ, ये सीधा धमकी है, अभी जस्ट कमेंट आया वो जस्ट नाउ में। तो यार गाइस बहुत सारा रीजन है जिसके कारण मैं नहीं दिखा सकता, मैं भी एक दो दिन में आपको वो वाला व्लॉग भी डल जाएगा कि क्या रीजन है जिसके कारण मैं डाल नहीं सकता। तो अभी मैं बस निकल रहा हूँ चर्च, वो चीज को समझो कि मैं नहीं डाल सकता अभी, घर में पहले बात हुआ, मेरे दोस्त लोग भी बोले कि भाई ऐसा कुछ है तो मत कर बिल्कुल भी। तो अभी मैं बस निकल रहा हूँ चर्च, और हम लोग भाई मतलब 11 बज चुका है, 11:30 को चर्च खत्म हो जाता है, और आज मैं वही जा रहा हूँ, मतलब इतना लेट। पता है मैं क्यों जा रहा हूँ? मैं क्योंकि दोस्त लोग को रात से बोल दिया था कि भाई तू आएगा वरना घर में उठा कर लेके आऊंगा तेरे को, और मैं खुद ही नहीं जा रहा हूँ। गाइस अभी न्यू ईयर में ना बहुत गंदा पोपट हो गया मेरा, जो मेरी गाड़ी है ना मेरे को वो ना उसमें ना डिजिटल वाला वो है पेट्रोल का इंडिकेटर, तो भी ना इसमें क्या हुआ था कि मेरे को लगा कि वो बस ब्लिंक करता होगा, इसमें रिजर्व का कहीं पे सेटिंग होगा, तो फिर मैं यही जोश में चला रहा था गाड़ी को और लिटरली मैं पेट्रोल खत्म हो गया। अभी ये वाले चर्च के सामने रुका हूँ, अब देखता हूँ कैसे भी करके बाइक को लेकर जाऊंगा। मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, रिजर्व वाला वो डंडा नहीं रहता, वो नहीं है इसमें एनालॉग। मैं बोला यार अजीब है यार, मतलब जैसे डेवलप होते जा रहे हैं गंदे होते जा रहे हैं चीजें। अभी जैसे भी करके पेट्रोल पंप जा रहे हैं, पेट्रोल पंप उधर साइड है, पहुंच गया भाई पेट्रोल पंप, गाड़ी सहारा दे दिया अपन का, अब बस यहाँ से भरवाता हूँ सीधा, फिर निकलते हैं चर्च। तो गाइस मैं पार्किंग में पहुंच चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ अंदर जल्दी से। तो गाइस अभी अपन चर्च से निकल रहे थे, प्रतीक भी मेरे से ही पूछ रहे कि तू गाड़ी वाड़ी ले ली है, तो किसी को नहीं पता है गाड़ी जा रहा है, जा रहा है अभी पूछने और जाना है। हाँ सच में भिलाई में नया है तू? तो अभी हम लोग आए हैं नन्हे में चाय पीने के लिए, मेरे को इतना भूख लग रहा था ना, तो अपन मंगल में मैं खाया हूँ, इन लोगों ने सब लोग मेरे को धोखा दे दिया, कोई नहीं खाया मेरे को, बोलते हैं कि अकेले का, और ये बोलता है कि ये आलू गुंडा नहीं खाता, तो फिर मैं खाया, और फिर अभी अपन लोग कॉफी पीने आए यहाँ पर। चाय पीते है भाई? चाय लो ब्रो, चाय लो भाई, तू क्या धोखेबाज इंसान है, तेरे को पता है? मैं पी लूंगा भाई कॉफी, ऐसा नहीं है। हाँ बात सही है, तेरे को पीना चाहिए, चल चला ना भाई, तो वीडियो चाहिए तभी मैं जा रहा हूँ नेहरू नगर। और बता तू अगर कुछ खिला रहे तो खिला सकते हैं, देखो अपन खाने पीने का कभी कुछ कमी नहीं करते साहिल, ठीक है? ये भाई देख फर्ज बनता है कि मेरा भाई प्रतीक सबको खिलाएगा। चलो चलो काम करते हैं, हाँ घर चलते हैं। मैं घर नहीं जाने वाला भाई, ना ही तुम मेरे को जाने दूंगा। क्या बोला रे? बाकी मैं चले जाऊंगा। अभी हम लोग चर्च में थे और मैं गाड़ी का एक चीज देखा कि नया गाड़ी है यार, मतलब कि 3-4 दिन ही हुए गाड़ी को और उसमें भी ना लोग स्क्रैच मारना चालू कर दिए,
देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को स्क्रैच, पूरे स्क्रैच मार। मेरा क्या दिक्कत है भाई किसी से, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, मैं शांति से रह रहा हूँ। इतना नफरत आ, मतलब क्या बोलोगे यार, इतना चिड़ लग रहा है ना मेरे को। अभी गाड़ी लिया हूँ मैं, और भाई हर चीज मतलब इसे ये सब चीज जब होता है ना तो बहुत गंदा लगता है, मतलब क्या ही बोलूं यार। देख रहा है नया नया बाइक भाई, तू ही बता, तू ही बता। हाँ देख रहा हूँ भाई, भाई। You know guys, आप लोगों को पता है मैं 4-5 महीने से डेली व्लॉग कर रहा हूँ, एंड मैं कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अगर कोई चीज़ को मैं लेता हूँ, मैं अपने लिए लेता हूँ, मैं अपने चीज़ में वो इम्प्लीमेंट करता हूँ वो सब चीज़ों को, और मैं चीज़ों को प्रोग्रेस देखता हूँ कि मैं कितना आगे जा रहा हूँ, कितना आगे बढ़ रहा हूँ। आई थिंक हेट इज द वर्स्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, और जो अभी मैं फील कर रहा हूँ, एंड आई स्वेयर वो सब चीज़ों को देखकर मेरा भी माइंड कहीं ना कहीं एक मेरे गोल्स से हट के एक डिस्ट्रैक्शन में चल देता है, स्ट्रेस में चल देता है, एंजाइटी में चल देता है कि क्या हो रहा है सब, क्यों मी, वाई मी गाइज, वाई मी। आप लोग मेरे को हमेशा देखते हो, मैं हंसता खेलता फूलता इंसान हूँ, मैं अपने व्लॉग में भी हंसते रहता हूँ, मैं सब लोग से हंसी से बात करता हूँ, मैं इट लिटरली इवन आप में से जो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो मैं उनको भी फॉलो बैक करता हूँ। मेरे अंदर कुछ ये ईगो एटीट्यूड चीज नाम का चीज नहीं है कि अगर मैं कुछ हूँ, मैं YouTube में कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स गाइस मैं आप लोग के कारण हूँ। आप लोग अगर मेरे को 400 लोग देखना बंद कर दोगे तो मैं कुछ नहीं हूँ, जीरो व्यूज, और मैं नहीं चाहता ये सब की चीजें हो मेरे साथ। और मैं हमेशा मैं वो इंसान हूँ जो थिंक डिफरेंट ब्रो, मैं दूसरों से अलग सोचता हूँ, जब दूसरे लोग लेफ्ट जाते हैं तब अपन राइट जाते हैं। गाइस मैं आप लोग को यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज अगर मेरा न्यू बाइक है तो उससे क्या मतलब है आपको, बेचारा वो नॉन लिविंग थिंग है ब्रो, मैं उसका अभी तक नाम भी नहीं सोचा हूँ, ना ही मैं उसको अभी तक वीडियो में दिखाया हूँ अपने। और कॉलेज में अगर कोई मेरे को देख लिया होगा चला के आते हुए, चालू बाइक में स्क्रैच मारना चालू, आप लोग जैसे देख लिया होगा इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी डाला था, मैं नहीं दिखाना चाहता था मैं अपना बाइक, ठीक है। बट ये सब जो चीज हो रहा है अभी, जो जितना भी इंसिडेंट अभी चल रहा है, एंड आई थिंक ये जो खो रहा है अभी मेरे साथ, गाड़ी को तोड़ना सोच रहे या फिर कुछ करना सोच रहे, तो गाइज आई थिंक हेटर्स दिस इज फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर गाइज गिविंग फॉर माय कंटेंट, थैंक यू सो मच। एंड ब्रो लिटरली मैं आई स्वेयर मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को ना खुशी होता है बट दुखी भी होता है कि मेरे हेटर्स लोग मेरे से जेलस फील कर रहे हैं, कैसे लोग ब्रो आई एम सॉरी। सब लोग रहते हैं ना आपके पीठ पीछे, आपको बोलते हैं आपके अगर मुंह के सामने आ जाएगा भाई कैसा है भाई, एकदम अच्छा वीडियो बना रहा है ब्रो, इफ यू वाचिंग मी ब्रो लाइक शेयर सब्सक्राइब ब्रो, गॉड ब्लेस यू। और गाइस मैं सच में बता रहा हूँ ये सब चीजों से मेरे को मतलब नहीं है बिल्कुल भी, एंड आई थिंक यू शुड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ब्रो @AmanKumarVlogs, दिस इज माई लाइफ। आई थिंक नहीं पता मैं जब क्या अपना गोल अचीव करना चालू करूंगा, जो मेरा इतना बड़ा बड़ा गोल है, तो नहीं पता इन लोग तो अपने घर से निकल के रेलवे स्टेशन में सोने चल देंगे ऐसा लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि अभी से भाई मतलब मेरे 6,500 सब्सक्राइबर है, और ऐसे लोग नहीं पता कैसे लोग निब्बे लोग जो कि 19 साल के हो गए लेकिन फिर भी निब्बा का दिमाग है इनको, 14 साल के बच्चे का, ये ऐसा कर रहा है वो वैसा कर रहा है, मेरे को उससे बदला लेना है ब्रो, मैं जानता भी नहीं हूँ तुम लोग को, तुम लोग मेरे को जानते हो, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, याद रखना ये चीज, तुम मेरे को जानते हो मैं तुमको नहीं जानता हूँ। एंड द फैक्ट इज कि एटलीस्ट कोई मेरे को जान रहा है, कोई मेरे से चिड़ रहा है। गाइस जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, जो मेरे को प्यार करते हैं, जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक लिटरली वी आर गोइंग ग्रोइंग गाइस, मतलब देख रहे हो तुम लोग भाई लिटरली। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, मैं मिलता हूँ आप लोग से कल नए ब्लॉग में ब्रो। मेरे को मतलब नहीं है ये सब चीज से, मैं जैसे बोला कि मेरे पास ईगो नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, तो वो ईगो एटीट्यूड मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, बट ये जो हेटर्स लोग के लिए ना गाइस, मैं तुम लोग को पहले बता रहा हूँ, मेरा ईगो मतलब तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि इस लेवल में जहां पे तुम लोग जाके मेरे को हर्ट भी नहीं कर सकते। एंड आई थिंक तुमको कुछ मेरे को हर्ट करना है तो तुमको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, आई थिंक तुम अपना ड्रीम अचीव करो तब जाके मैं तुमसे हटूंगा। हेलो गाइस मिलता हूं कल नया ब्लॉग में, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, अभी मैं ब्लॉग चालू करूंगा, सी यू सून, एंड हेटर्स आई लव यू सो मच, हेटर्स गॉड ब्लेस यू बाय द वे। यार झाड़ू दे दो यार, झाड़ू करना है, बेचारे चेयर को भी फेंक दिया मैं।